फ्रेंड्स, यमी एंड हेल्दी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इजी डिश बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही यमी है, जिसका नाम है स्वीट ब्रेड। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए 2 slices ऑफ ब्रेड, 1 or 2 tablespoon शुगर, 2 tablespoon घी या बटर, फ्रेश मलाई या व्हिप्ड क्रीम जो हमें 2 tablespoon चाहिएगी, और गार्निशिंग के लिए चॉकलेट। तो आइए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और मैंने गैस ऑन कर दी है, एक पैन लिया है, ये मैंने एक पैन लिया है, गैस सिम कर दिया। सबसे पहले हम इस पे 1 tablespoon बटर या घी ऐड करेंगे, और इसी में मैं 1/2 tablespoon शुगर ऐड करती हूँ, और इसको हम इसी के अच्छे से मेल्ट होने देंगे। हम इसको अच्छे से इसमें मेल्ट कर लेंगे। फ्लेम को स्लो ही रखें। देखिए, ये हमारा कैरेमल बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें हम स्लाइसेस रख देंगे और इसको साइड में करते जाएंगे। इस पर हाथ बिल्कुल टच ना होने दें, ये बहुत ही गर्म होता है। सब स्लाइसेस पर इक्वली लग गया है। अब हम इसको देखते हैं उधर से प्रॉपरली बन चुका है या नहीं। ये देखिए, ये बिल्कुल प्रॉपरली बन चुका है। अब हम इनको दूसरी साइड से चेंज कर देंगे। ये बहुत ही गर्म होता है, इसलिए हाथ बिल्कुल टच मत होने दें। ये देखिए, हमारा प्रॉपरली बन चुका है। अब हम इसमें व्हिप क्रीम या फ्रेश मलाई हल्का हल्का टच करेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और ये बच्चों के लिए हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। अब हम इस पे चॉकलेट लगाएंगे। आप गार्निशिंग के लिए कुछ भी ले सकते हैं, मैंने चॉकलेट ली है। ये देखिए, मैंने इसमें मिल्की बार एंड डेरी मिल्क की चॉकलेट ऐड करती है, वो हल्की हल्की मेल्ट होने लगी है, इसलिए इसका फ्लेवर बहुत ही यम्मी आता है। आइए हम निकालते हैं इसको एक सर्विंग प्लेट में। ये देखिए, हमारा स्वीट ब्रेड बाइट बिल्कुल तैयार है, और मैंने इस पे ये होममेड चॉकलेट लगाई है। ये बहुत ही ईजी है बनानी, तो मैं नेक्स्ट रेसिपी में बताऊँगी आपको चॉकलेट कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।